चेहरा उसका ब्लड में सना हुआ था। मैंने उसको पूछा भाई कौन है तू, कहाँ से है? तो वो बोला मैं ऋषभ पंत हूँ। कौन ऋषभ पंत? तो वो बोला मैं भारतीय क्रिकेटर, इंडियन टीम का क्रिकेटर ऋषभ पंत हूँ। तभी मैंने एक दूसरी सवारी से चादर लेके उसको उड़ाई, उसको मैंने उठाना चाहा, तब तक ये भी आ गया, वो मेरे से उठा नहीं। मैंने दो सवारियों की और सुशील की मदद लेके उसको उठाया, जो उसका पैर टूटा हुआ था। वो बोला मेरा पैर टूट गया भाई। हमने उसको दिल्ली वाली साइड, जो दिल्ली से रुड़की सड़क जाती है, उसके डिवाइडर पर बैठा दिया और वहाँ एक सवारी को खड़ा कर दिया, भाई इधर कोई गाड़ी ना आए, आप आ देते रहना भाई, यहाँ कोई बैठा है। तो वो बोला भाई मेरे को पानी पिला दो। मैंने बोला भाई अभी गर्म खून है, पानी मत पी दूँ। तो माना नहीं वो। फिर मैंने सुशील को बोला भाई सुशील किसी सवारी से पानी लेके आ। तब तक सुशील पानी लेके आया, तब तक उसने अपनी मम्मी का नंबर बताया। मेरा नंबर तो था एम्बुलेंस पे बिजी। मैंने किसी सवारी को बोला भाई आप इसका फ़ोन नंबर मिलाओ और उसके घर कॉल करो। तो उसकी मम्मी का नंबर आया स्विच ऑफ है। तो वो बोला मम्मी सॉरी होगी भाई, तब तक एम्बुलेंस आ जाती है, तब तक एम्बुलेंस आ जाती है। तो उसके कुछ पैसे थे थोड़े बहुत, 5-7 हज़ार रुपये थे, वो एक सवारी ने इकट्ठे किए थे। वो सवारी से मैंने उसको दिलवा दिया और पूरा सामान इकट्ठा करवा के एम्बुलेंस में रखवा के, और उसको मतलब एम्बुलेंस वालों को बोल के भाई किसी अच्छे हॉस्पिटल में लेके जाना, ऐसे ऐसे एक क्रिकेटर है। तो वहाँ से हम अपने गंतव्य स्थान की ओर बढ़ गए थे। ये तो एक्सपायर हो चुका है, हमने उसको घसीट के बाहर निकाल दिया, उस पर कच्चे वाले उस पर डिवाइडर पर ले गए। मैंने बात उसको छोटा, मैं ये परमजीत उसके साथ था, मैंने देखा भाई गाड़ी में कोई पर्सन, कोई बच्चा, कोई बुजुर्ग, कोई लेडीज तो नहीं है, क्योंकि गाड़ी में इस टाइम तो कोई ना कोई पर्सन होगा। मैं इतने में वो होश में आ गया थोड़ा, बोला वो बोला इसमें कोई नहीं। मैं भाग गया, मैं भाई साहब इसमें गाड़ी के ड्राइविंग कोड कर रहा था, बोला मैं ही कर रहा था, मैं कोई इसके अंदर और, बोला कोई नहीं, मैंने उस पर विश्वास नहीं किया, मैं कोई बात नहीं, नया सा एक्सीडेंट कैसे हुआ। तो उसने बताया कि मेरी थोड़ी आँख की चपकी लगी, तो मैं फिर आपको पता था ये कौन है? नहीं नहीं हमें नहीं पता था, हमें नहीं पता था सर इसके बारे में। हम तो एक आम इंसान है, हम इंसानियत का परिचय देते हुए हम तो उसकी वो कर रहे, हेल्प कर रहे थे।